23 अक्टूबर 2018 रात करीब 12:45 पर दिल्ली पुलिस के सैकड़ों जवान सीबीआई हेडक्वार्टर में जा घुसे। कुछ देर बाद सुरक्षा के बीच आईपीएस एम नागेश्वर राव सीबीआई दफ्तर आते हैं। वो सीधे 11वें फ्लोर पर मौजूद सीबीआई चीफ आलोक वर्मा के केबिन में दाखिल होते हैं। नागेश्वर राव चंद मिनट पहले सीबीआई के अंतरिम चीफ बनाए गए थे, क्योंकि मोदी सरकार ने सीबीआई चीफ आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को जबरन छुट्टी पर भेज दिया था। रात भर नागेश्वर राव ने सीबीआई दफ्तर में तलाशी जारी रखी और सुबह बिल्डिंग को सील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर प्रशांत भूषण ने दावा किया कि सीबीआई चीफ आलोक वर्मा की डेस्क पर राफेल मामले में गड़बड़ी से जुड़े दस्तावेज थे। साफ था कि इसीलिए हटाया कि कहीं वो राफेल का इन्वेस्टिगेशन न ऑर्डर कर दे। आज फैसला सीरीज में देखिए पीएम मोदी के सीबीआई चीफ बदलने की कहानी। साल 2018 मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। विपक्ष पीएम मोदी को राफेल के मुद्दे पर घेरने में लगा था। हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। 4 अक्टूबर 2018 वाजपेयी सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रहे यशवंत सिन्हा, विनिवेश मंत्री अरुण शौरी और सीनियर लॉयर प्रशांत भूषण सीबीआई चीफ आलोक वर्मा से मिलने सीबीआई दफ्तर पहुंचे। तीनों ने आलोक वर्मा को दस्तावेज सौंपते हुए कहा, राफेल खरीद में घोटाला हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। उधर 15 अक्टूबर 2018 को करप्शन के एक मामले में सीबीआई ने अपने ही डिप्टी डायरेक्टर राकेश अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आरोप था कि इन्होंने हैदराबाद के मीट कारोबारी मोइन कुरैशी को कार्रवाई से बचाने के लिए 3 करोड़ रुपए लिए थे। इस मामले में खुफिया एजेंसी रॉ के स्पेशल डायरेक्टर और बाद में रॉ चीफ बने सामंत गोयल का नाम भी शामिल था। रॉ का नाम आते ही आलोक वर्मा को पीएमओ बुलाया गया। पीएम और सीबीआई चीफ के बीच क्या बातचीत हुई ये कोई नहीं जानता, पर मुलाकात के बाद आलोक वर्मा ये समझ चुके थे कि पीएम मोदी उनके फैसले से नाराज हैं। 23 अक्टूबर 2018 रात करीब 2:30 बजे पीएम ऑफिस से लीव ऑर्डर तैयार कर वर्मा और अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया गया। सीबीआई के हेडक्वार्टर में तलाशी ली गई। इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी एनएसए अजीत डोभाल के हाथों में थी। आखिर वो क्या वजह थी कि मोदी सरकार को रातों रात सीबीआई चीफ बदलना पड़ा? पहली वजह, विपक्ष का दावा। सीबीआई चीफ राफेल मामले की जांच करने वाले थे। मैंने अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा ने कंप्लेंट दी थी राफेल के मामले में सीबीआई के डायरेक्टर को, और वो कंप्लेंट हमारी सीबीआई डायरेक्टर के टेबल पर पेंडिंग थी और उनको अगले दिन उस पर कुछ फैसला लेना था। वो तो बोफोर्स से कम 100 गुना बड़ा घोटाला था। बोफोर्स में तो 64 करोड़ के घूस दिए गए, इसमें तो कम से कम 30,000 करोड़ के घूस थे। इस बीच राहुल गांधी ने भी राफेल डील को लेकर पीएम मोदी पर कई आरोप लगाए। सीबीआई डायरेक्टर को प्राइम मिनिस्टर ने रात के 2 बजे हटाया। सवाल उठता है कि रात के 2 बजे क्यों किया? मेन रीजन फॉर दिस इज दैट द सीबीआई was going to begin an investigation in the role of the Prime Minister on Rafael and the corruption that was carried out by the Prime Minister in Rafael. दूसरी वजह, एक पत्रकार का दावा। कोयला आवंटन में हुई गड़बड़ी में प्रधानमंत्री के सचिव का नाम। और ऑफ कोर्स भास्कर खुलबे, जिनके बारे में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, जो खुद इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं कोल स्कैम में, जिनको राकेश अस्थाना जी बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सब डिटेल्स सीबीआई के पास है, बट आई डोंट नो व्हेदर दे विल हैव इट नाउ फॉर हाउ लॉन्ग, क्योंकि अब तो पूरी सीबीआई बदल गई। तीसरी वजह, सीबीआई की साख दांव पर थी। पॉलिटिकल एनालिस्ट रशीद किदवई के मुताबिक सीबीआई के 2 अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि इस विवाद से जांच एजेंसी पर सवाल खड़े हों, इसलिए दोनों को हटा दिया गया। चौथी वजह, सरकार नहीं चाहती थी सीबीआई वर्सेस सीबीआई के हालात बने।
एक विचित्र और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई है। तो सीबीआई के दो बड़े अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी जो हैं, उन दोनों पे आरोप है। अब इसकी जांच कौन करेगा, ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसलिए सीबीआई की इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी बनाए रखना और उसको बनाने की दिशा में कदम उठाना, ये अपने आप में अनिवार्य है। मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 8 जनवरी 2019 को मोदी सरकार के फैसले को रद्द करते हुए आलोक वर्मा को फिर से सीबीआई डायरेक्टर बना दिया। सीबीआई के चीफ को एक बजे रात को निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि सीबीआई के चीफ राफेल पे इंक्वायरी शुरू करना चाह रहे थे। अब सीबीआई चीफ रीइंस्टेट हो गए हैं, तो थोड़ा तो न्याय मिला। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सरकार के लिए सब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इसी दिन सिलेक्शन कमेटी की बैठक हुई जो सीबीआई चीफ को चुनने या हटाने का फैसला करती है। इसमें प्रधानमंत्री के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। मीटिंग के बाद आलोक वर्मा को सीबीआई चीफ के पद से हटाकर फायर सर्विसेज का डीजी बना दिया गया। एम नागेश्वर राव वापस अंतरिम सीबीआई चीफ बने, लेकिन आलोक वर्मा ने ज्वाइन नहीं किया और वीआरएस ले लिया। कुछ सालों बाद फ्रांस के मीडिया पार्ट नाम के एक पोर्टल में एक खबर छपी जिसमें लिखा था कि भारत से डील को लेकर डसॉल्ट कंपनी ने एक बिचौलिए को कमीशन दिया था जिसने भारत में राफेल के मुद्दे को फिर से गर्मा दिया था। आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी। तो ये थे बड़े और चौंकाने वाले फैसले जो पीएम मोदी ने अब तक लिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहें।